Hello students, good morning everyone. Welcome to today's lecture, Hindi. In the last lecture in Hindi, we had completed our chapter number 12. I hope our chapter number 12 से वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, जान थे तो जहान थे, right? इसमें जो एटमॉस्फेयर की बात की थी, जो हमारे पर्यावरण की बात की थी. I hope आप लोगों को इन इसी चैप्टर राइट आज हमारी ऐसी एक स्टोरी है जो चैप्टर नंबर 13 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल. स्टोरी का नेम कुछ आपको अलग सा लग रहा है कि स्टोरी का नेम है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों है. तो यहाँ पे इन दोनों का पार्टी करते हैं. फ्लोरेंस यानी एक लड़की है और नाइटिंगेल ने उसका नाम दिया है. जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी का नाम हमने बापू दिया गया था, हमारे राष्ट्रपिता दिया गया था. क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई के लिए बहुत सारे काम किए थे, इसलिए हमने हमारे देश के लिए बहुत सारा काम किया था. अंग्रेजों को पारसी करते थे सारे, तो हमने गांधी जी को एक उपनाम दिया गया था, राष्ट्रपिता. इसी तरह से एक जो लड़की है फ्लोरेंस, उन्होंने कई सारी सेवाएं की थी. वो सेवा से उसका नाम पड़ा था नाइटिंगेल. लेकिन नाइटिंगेल क्या है वो हम स्टोरी में देखते हैं. यहाँ पे जो लड़की है वो लड़की एक छोटी सी बच्ची थी. जैसे छोटी थी तब भी उसके मन में जो दया थी, जो भावना थी, वो छोटे से तब से थी. वो ऐसे छोटे छोटे प्राणियों पे भी अपनी दया दिखाती थी. शायद कुछ भी प्राणियों को कुछ लगा होता तो उसको घर ले जाके उसका घाव ठीक कर रही थी, राइट. तो जो ये लड़की है वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे सबकी सेवाएं करती जा रही थी. उसने सोचा कि मैं सबकी सेवाएं कैसे करूं, तो उन्होंने नर्स बनने की ठान ली. वे नर्स बनके सब लोगों की सेवा करेंगे. और वो नर्स बनके वो फ्लोरेंस में से फ्लोरेंस नाइटिंगेल कैसे बनी वो हम स्टोरी में देखते हैं. लेकिन हमारे इंडिया में ये जो स्टोरी है वो एक इंग्लैंड की लड़की है. लेकिन इस तरह से हमारे भारत में भी कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, कई सारी जो लेडीज है उन्होंने सेवाएं की थी. दैट्स लाइक अ मदर टेरेसा, विनोबा भावे, आईपीएस किरण बेदी, राइट. तो कई सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए कई सारी सेवाएं की है. मदर टेरेसा है, वो भी एक फॉरेन्स मतलब विदेश से आई हुई लेडी थी जो हमारे इंडिया में आई थी. तब मदर टेरेसा यहाँ पे इंडिया में रुक के कई सारे गरीबों की सेवा की थी, रोगियों की सेवा की थी, राइट. तो हमारे इंडिया में ही बस गई. क्यों? क्योंकि उसके मन में दया छा उठी, भावना ऐसी थी इसकी कि मैं सबकी सेवा करूं. विनोबा भावे ने उसके पास बहुत सारी जमीन थी. वो जमीन है उन्होंने दान में दे दी कई सारे लोगों को रहने के लिए. किसी के पास घर नहीं था तो रहने के लिए उन्होंने विनोबा भावे ने अपना अपनी जो जमीन थी यानी भू दान कर दिया. एन किरण बेदी थी आईपीएस, और हमारे जो इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी लेडीज, राइट. तो एक आईपीएस ऑफिसर की जो फर्ज थी उन्होंने पूरी नैतिकता से, पूरी प्रामाणिकता से निभाई. हुई कई सारे लोगों को जो जिसको अन्याय मिला था उस उन लोगों को उन्होंने न्याय मिलाया. किसी तरह से किसे भी करके इन लोगों ने सबकी सेवाएं की. तो सेवा करने के 100 रास्ते होते हैं. अगर हमें सेवाएं करनी है तो सेवा करने के 100 रास्ते होते हैं. तो ऐसी एक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है, राइट. एक हमारा इंडिया में राजस्थान में एक जयपुर नाम का सिटी, एक लड़का था जयपुर में, उसका नाम रोमन था. ये सही स्टोरी है, कोई फेक के बनाई गई स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी.
एग्जाम लेने के लिए उसकी एंट्रेंस एग्जाम थी। वो एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर ली। वो एमबीबीएस की एग्जाम थी। किसकी थी? एमबीबीएस की एग्जाम थी। भारत की जो विश्व की सबसे फेमस जो एग्जाम्स होती है वो यूपीएससी की एग्जाम होती है। और वो लड़की ने वो यूपीएससी की एग्जाम दी और 2013 में वो लड़के ने मोहम्मद ने हमारे इंडिया में 18वां नंबर आया। 18th नंबर है उसका। ऑल ओवर इंडिया में वो रोमन था, उसका नंबर था 18 यूपीएससी की एग्जाम में, राइट। तो वो लड़का बहुत होशियार था। जब वो 22 साल का हुआ, जब वो 22 साल का हुआ, तब रोमन ने आईएएस की एग्जाम दी। किसी एमबीबीएस खत्म कर लिया, यूपीएससी की एग्जाम दी, अब उन्होंने आईएएस की एग्जाम दी। सो आईएएस की एग्जाम के बाद यूपीएससी की एग्जाम दी। फिर हर एक एग्जाम में वो लड़का पास ही होते जा रहा था। फिर उन्होंने जो रोमन था, रोमन को जॉब मिल गई और असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब मिली। किसकी? असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब मिली और उन्होंने कलेक्टर की जॉब की शुरुआत की। फिर वो लड़का था, उन्होंने उसके मन में एक सेवा थी कि मैं हमारे जो इंडिया है उसमें जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उसकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन इस सेवा में कैसे करूँ? हमारे देश में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पढ़ना तो है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके कोई जो नॉलेज देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए रोमन ने हर एक अपने जो कलीग्स थे, यानी हमारे जो कलीग पार्टनर होते हैं, हमारे जो क्लासमेट होते हैं, उन लोगों की हेल्प की और उन लोगों की हेल्प लेते हुए एक टीम शुरू किया, unacademy.in, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया, unacademy.in, ऑनलाइन वेबसाइट शुरू किया। उस ऑनलाइन वेबसाइट में हर एक स्टैंडर्ड, हर एक सब्जेक्ट, और वो भी ऑनलाइन और फ्री। जो लोग, जिसको ट्यूशन जाने की फीस नहीं है, जिसके पास ट्यूशन जाने की फीस नहीं है, जिसके पास बुक्स लेने के पैसे नहीं है, जो जिसको एग्जाम लेने है, प्रिपरेशन करनी है लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं है, इससे स्टूडेंट्स को उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम शुरू की, सॉरी ऑनलाइन क्लास शुरू किए और इसी तरह से इन लोगों की हेल्प की। और हमारे जो पूरी दुनिया से जो एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट में जो पूरे विश्व के कोई भी टीचर्स, यानी जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो टीचर्स है, वो इसी वेबसाइट पे उसका जो वीडियो है वो रख सकते हैं। आप नहीं मानोगे कि वो एक रोमन साइंस का जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने आईएएस की एग्जाम, आईएएस की जो जॉब मिली थी वो जॉब को छोड़ दी और उन्होंने फुल टाइम ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी बिना पैसे लिए, इस लड़के ने फ्री सेवा स्टार्ट कर दी हमारे इंडिया में। तो ऐसा नहीं कि अगर हमें सेवा ही करनी है तो हम उसकी हेल्प करें, उसकी बाजू में रहे। तो इस लड़के की भी जो भावना थी वो भी सेवा की भावना थी, लेकिन उन लोगों जो एक रोमन नाम का लड़का था, उन्होंने हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए फ्री ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया, राइट। तो जैसे मैंने हमारी स्टोरी का नाम बताया था कि सेवा करने के 100 रास्ते होते हैं। अगर आपको सेवा करनी है तो उसके लिए आपके पास जो भी हो वो आपको, आप उससे दे सकते हैं, राइट। तो ऐसी ही एक लड़की है, राइट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर्स। ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर
रीड करते जाएंगे और इस चैप्टर्स को समझते रहेंगे कि नाइट एंगल इसका नाम क्यों पड़ा। एक समय की बात है, इंग्लैंड में एक छोटी सी बालिका थी, उसका नाम फ्लोरेंस था। एक दिन वह स्कूल से आ रहे थे, तभी उसने एक कुत्ते की पिल्ले को सड़क के किनारे पर पड़ा देखा। इसके बदले आप ये बोले होते तो छोटा सा ही तो ठीक हो जाएगा।
बड़ी लगन से रोगियों की सेवा मुस्कुराते हुए करती थी। जब रोगी अच्छे रूप पर घर लौटे थे तो अस्पताल की समस्त नर्स और फ्लोरेंस की तारीफ किया करते थे। अगर आप किसी के साथ दो मीठे शब्द बोलो तो वो उसको क्या बोलेंगे, नहीं ये लड़की तो अच्छी है। अगर इससे बदले आप उसके साथ नम्रतापूर्वक से व्यवहार ना करो तो वो क्या बोलेंगे, नहीं ये लड़की तो बड़ी, उससे तो बुलाने जैसी नहीं है, राइट। तो हमें सबके साथ नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। तो जैसे उसको वो सारी नर्स को ट्रेनिंग देती थी तो वो सारी नर्स भी ऐसा ही करती थी। तो कोई भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते थे तब वो बोलते थे कि तब उसकी तारीफ करते थे वो नर्स और फ्लोरेंस की। एक बार इंग्लैंड की सेना को युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध में अनेक घायल सैनिक इलाज की कमी के कारण मर रहे थे। यह सुनकर फ्लोरेंस को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत 38 नर्स की टोली बनाई और युद्ध क्षेत्र में गई वे अपने साथ दवाइयां, पट्टियां, स्वेटर्स, कंबल और मोजे आदि भी लेकर गई। फ्लोरेंस और उनकी टोलियां ने रात दिन घायल सैनिकों की सेवा की। जल्दी ही उनकी सेवा से घायल सैनिक ठीक होने लगे। फ्लोरेंस की मीठी आवाज और व्यवहार से सब सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। यानी एक बार युद्ध इंग्लैंड में जो युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड की सेनाओं को युद्ध में जाना पड़ा। तो वो युद्ध में कई सारे सैनिक थे। युद्ध में तो कोई मरते कोई घायल होते, तो वहां पे कोई डॉक्टर्स नहीं थे। तो फ्लोरेंस को पता चला कि युद्ध में जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहां पे सैनिक मर रहे हैं और वहां पे इलाज करने के लिए कोई नहीं है। तब भी फ्लोरेंस ने अपनी 38 नर्सों की एक टीम बनाई और सारी जो फर्स्ट एड बॉक्स में चीजें होती है, मलम पट्टी होती है, स्वेटर्स, कंबल्स, तो सारी चीजें लेकर वो युद्ध के मैदान के पास पहुंच गई। और जो घायल सैनिक थे उसके दिन रात उन्होंने फ्लोरेंस ने और उसकी टीम ने दिन रात उसकी सेवाएं की। और सेवा के साथ साथ उनके साथ जो सैनिक थे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तब फ्लोरेंस और उसकी टीम की जो वाहवाही थी, जो उसकी सराहना थी, वो पूरे शहर में दूर दूर तक गूंजने लगी। वैसे ही जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका इनाम सुनाई देता है, जो व्यक्ति गलत काम करता है उसका नाम कभी आगे आता नहीं। तो वैसे ही फ्लोरेंस ने बहुत सारे अच्छे काम किए और दूर दूर तक उसकी आवाजें गूंज के रही। एंड जब भी युद्ध की बात फ्लोरेंस अपने देश लौटेगी तो इंग्लैंड की जनता ने उसका तथा उसकी टोलियों का खूब स्वागत किया। टोलिया यानी टीम। जब भी युद्ध खत्म हुआ तब जो फ्लोरेंस से उसकी टीम है वो इंग्लैंड आई तो इंग्लैंड के लोगों ने उसका खूब स्वागत किया, राइट। एंड उसके बाद युद्ध के दौरान नर्सिंग के लिए विशेष शिविर लगाई जाने लगे। नर्स बनने और नर्सिंग का काम भी फ्लोरेंस से ही शुरू हुआ। अब उसकी जो टीम थी उसकी वाहवाही की। और युद्ध के दौरान यानी युद्ध के समय के दौरान उन्होंने वहां पे जो शिविर लगाई थी उसी शिविर की लगाए जाने से नर्स बनने और नर्सिंग का काम करने की शुरुआत फ्लोरेंस ने की। बच्चे क्या आप जानते हैं कि फ्लोरेंस को नाइटिंगल क्यों कहा जाता है? मैंने पहले भी बोला था कि नाइटिंगल उसका पेट नेम दिया गया है, लेकिन उसको नाइटिंगल क्यों कहते हैं? तो क्या आप जानते हो कि नाइटिंगल है वो क्या है?
इंग्लैंड के पक्षी का नाम था नाइटिंगेल, तो उसी आवाज को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने फ्लोरेंस का नाम क्या रख दिया, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी सी स्टोरी है और कुछ सीखने लायक स्टोरी है कि इस स्टोरी में हमें भी कुछ सीखना चाहिए, हमारा भी नेचर ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के काम आ सके, राइट। तो हमें भी यही कार्य करना है, किसी के काम आना है, हमारा जो नेचर है किसी की हेल्प करनी है, राइट। किसी की हेल्प नहीं करनी है ऐसा नहीं है, स्वार्थ नहीं रखना है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को यहाँ पे खत्म करते हैं, राइट। नीचे दिए गए श्रुतलेखन के शब्द है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखने हैं रफ बुक में और उसके बाद आपके पेरेंट्स से श्रुतलेखन करवाना है और आपको अपनी फेयर बुक में कंप्लीट करना है, राइट। ये है आज का एचडब्ल्यू। आपको जो श्रुतलेखन वर्ड्स है फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करना है एंड देन यू हैव टू राइट इन योर फेयर बुक। एंड देन नए शब्द पिल्ला, पिल्ला यानी कुत्ते का नन्हा बच्चा। एंड देन कराहना यानी दर्द से जो आह आह करने की जो आवाज आती है उसको बोलते कराहना। घाव यानी जख्म, चोट यानी हमें कुछ भी लगा होता है उसको घाव बोलते। एंड देन घायल यानी जख्म, जिसको लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक घायल हुआ है, जख्मी हुआ है। एंड देन क्वेश्चन आंसर दिए गए, मौखिक क्वेश्चन आंसर एंड लिखित क्वेश्चन आंसर जो हम नोटबुक पीडीएफ में करेंगे, राइट। एंड देन सही उत्तर चुनकर टिक मार्क लगाइए। आपको ये होमवर्क में करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा चैप्टर समझना है, उसके बाद टेक्स्ट बुक में से रीड करना है। एंड रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। एंड देन सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको होमवर्क में करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे तब आपको एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए, वो भी आपको आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे दिया गया है ग्रामर, राइट। जैसे हमारे ग्रामर आता है इंग्लिश में वैसे ही हमारे ग्रामर आता है सॉरी हिंदी में। तो हमने आगे के चैप्टर में सीखा था क्रिया विशेषण, जैसे अभी हम इंग्लिश में सीख रहे हैं एक्शन वर्ड, इट्स कॉल्ड क्रिया विशेषण। जिस सेंटेंस में हम एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। आगे के चैप्टर्स में हमने सीखा था, यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 808, राइट। यहाँ पे हमें क्रिया विशेषण दिए गए, कई सारे शब्द हैं जो एक्शन वर्ब, जैसे हमने नेक्स्ट सॉरी इंग्लिश में रनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, वॉकिंग है, तो आपको पता चलेगा कि एक सारे सेक्शन वर्ब है। वैसे हमें यहाँ पे हिंदी में दिया गया है कि धीरे धीरे, चले चलते, तेज तेज से, खूब कम, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, इधर उधर, किधर ज्यादा और प्रतिदिन, तो ये सारे जो शब्द है क्या है, क्रिया विशेषण। वैसे ही यहाँ पर हमें दिया गया है संबोधक शब्द। संबोधक शब्द यानी किसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम संबोधक, राइट। जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाकर संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं तब उसको बोलते हैं संबोधक शब्द। संबोधक शब्द यानी हमें किसके रिलेटेड बात करना है, इन शॉर्ट वो है संबोधक, राइट। तो यहाँ पे हमें संबोधक शब्द दिए गए, जैसे कि के ऊपर, के पीछे, के किनारे, के आगे, की ओर, दैट्स लाइक द की, को, की और के। इसके पीछे जो शब्द लगे होते हैं वो संबोधक शब्द होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस में दिया गया है कि उसने एक कुत्ते के पीले को सड़क के किनारे पड़ा देखा, तो किसका संबोधन हुआ, किनारे का, के किनारे, तो वो क्या है,
संबोधक शब्द। तो ये सारे संबोधक शब्द है आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, टेक्स्ट पीडीएफ में। एंड देन आपको दो शब्द यहाँ पे दिए गए, वो शब्द को मिलाना है, नम्रता और पूर्व, यानी नम्रता पूर्व। संधि को अलग किया गया है, वो हमें संधि को ज्वाइन करना है। एंड देन एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है टोली, तो उसका प्लूरल फॉर्म है टोलिया, एंड पिल्ला तो पिल्ले। लेट्स टर्न अप पेज टेक्स्ट नंबर 88। यहाँ पे दिए गए बिलोंग शब्द यानी अपोजिट शब्द, बिलोंग शब्द यानी अपोजिट शब्द, वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड देन इन शब्दों के समान अर्थ वाले यानी सिमिलर वर्ड्स, एक ही शब्द के दो वर्ड्स होते हैं, तो सिमिलर वर्ड्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं ब्रैकेट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है अपने आप लिखने की, फिर आपको क्या करना है पीडीएफ से देख के पढ़िए और समझिए। यहाँ पे सेना की टुकड़ी, अंगूर का गुच्छा, लोगों की भीड़, फूलों का गुलदस्ता, मधुमक्खियों का छत्ता, उसको हम क्या बोलते हैं? सेना की टुकड़ी को क्या बोलते हैं? सेनाएं बोलते हैं। अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा को क्या बोलते हैं? लूम, राइट, बंच। लोगों की भीड़, लोगों की जब भीड़ हो तो हम क्या बोलते हैं? लोग भीड़। वैसे ही फूलों का एक फूल होता है और ज्यादा फूल होता है तो हम क्या बोलेंगे? फूलों का गुलदस्ता। मधुमक्खियों का छत्ता यानी हाइव्स, बी हाइव्स होते हैं ना उसको। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में नीचे दिए गए अनेक शब्दों में से एक शब्द चुनकर लिखिए। जहाँ इलाज के लिए जाते हैं, हम इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? अस्पताल। दया करने वालों को हम दयालु कहते हैं, सेना में काम करने वाले को हम सैनिक कहते हैं, मीठा बोलने वालों को मृदुभाषी कहते हैं, और जो रोगियों की भी देख रेख करे उसको हम नर्स कहते हैं। फिर यहाँ पे सोच समझ की बात, एक क्वेश्चन दिया गया है कि इस कहानी के लिए लिए और कौन सा नाम सही रहेगा और क्यों। इस कहानी का हमें नेम दिया गया है फ्लोरेंसिक नाइटिंगल, राइट। तो उसके अलावा हम यहाँ पे तीन वर्ड दिए गए हैं, वो उसमें से कौन सा वर्ड सही रहेगा? ममता में फ्लोरेंस, दयालु फ्लोरेंस, की नन्ही फ्लोरेंस। आपको आपकी ओर से लिखना है, मेरी ओर से तो मैं लिखूंगी दयालु फ्लोरेंस। क्यों? क्योंकि फ्लोरेंस से उसका जो नेचर था वो बहुत ही दयाभावी था और सब लोगों की सेवा करते रहते, सेवा करने, सेवा ही करना उसके जीवन का मंत्र था। और ये जो फ्लोरेंस है उसके जो जीवन में थे, उसके जो स्वभाव में थे, वो दया को कूट कूट कर भरे हुए। इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगल रहा है, तो इसके बदले हम दयालु फ्लोरेंस भी रख सकते हैं। आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा और क्यों, ये डिस्कस आपको अपने घर पे करना है कि आज हमने स्टोरी सुनी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इससे अलावा मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि अगर हमें सेवाएं करनी है और किन किन लोगों ने किस तरह की सेवा की वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको इस चैप्टर में से क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा वो आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, या फिर घर पे किसी के साथ भी कि आज मैंने स्टोरी देखी उसमें ऐसा है, मुझे उसमें ये बात अच्छी लगी और इसलिए अच्छी लगी। तो ये इसके साथ में घर पे करना है। एंड देन कुछ करने की बात, यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स है हमें कौन कौन सी चीजें रखते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो आपको टिक करना है कि फर्स्ट एड में हम कौन कौन सी थिंग्स रखेंगे, राइट। सो इसी लेक्चर के साथ मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, और इसी लेक्चर के साथ मैं आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक की पीडीएफ सेंड कर रही हूँ। नोटबुक की जो पीडीएफ है वो मैं नेक्स्ट डे आपको सेंड करूंगी। तो टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करने के बाद ही आपको फिल करना है, उसके
बाय।